फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं सोजो वाटर पार्क से और काफी एंजॉय किया है हमने। और ये बंदा जो है नसरीन तू तो चुप है, तो इसने थोड़ा कम एंजॉय किया। मुझे तो आपने वैसे आप लोगों को लगा, वैसे मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अच्छा, मैंने बल्कि बच्चों को डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब नहीं किया एंजॉय, मतलब स्लाइड्स वगैरह नहीं लिए इसने, जिस तरह हमने एक एक स्लाइड तीन तीन दफा ली है। और इसने सारा जो पार्क है वो खंगाला है, पानी में पड़ा रहा है। नहीं है ना, वो आपके बड़े फोर्स करने पे लिया है, खंगालने से मुराद इनका कुछ और ही था। मैं तो बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया, इन्होंने पता नहीं पूरे पार्क में क्या खेला जा रहा है। नहीं, हमने तो एंजॉय किया और पता नहीं एंजॉय किया इसको कहते हैं, मुझे नहीं पता। सब सबसे ज्यादा कौन से स्लाइड पे आपको मजा आया सर? सबसे वो हमने तीन दफा लिया है ना, मैंने चार दफा लिया, तीन दफा लिया है। और जो पानी भी गहरा और ठंडा था, और मतलब एक आपको स्विमिंग का भी थोड़ा सा मजा आता था। और एक हाँ, एक और जगह से जो मैं लिए, ये देखे मेरा जख्म लेके हम जा रहे हैं जनाब, लाहौर से जख्म ही मिलते हैं। हाँ, और अभी हम जा रहे हैं जनाब हवेली रेस्टोरेंट, काफी नाम सुना हुआ है। और बच्चों ने भी काफी दफा कहा था कि उधर जाना है, स्पेशली मोहित और डॉक्टर साहब ने भी दो तीन दफा कहा है कि हवेली जाके खाना खाना है। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमारी बात वो बैठे जो पीछे गजब बेइज्जती है, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। तो मिलते हैं हवेली पे, हवेली पे आ जाना। बहुत तेज हो रहा है, डॉक्टर साहब हवेली में जा रहे हैं। नहीं हवेली पे आ जाना, ये तो लगता है दरबार पे आ गए हैं, ये तो लगता है दरबार पे आ गए हैं। पुराने जमाने में यही लाइटिंग थी, दरबार पे तो नहीं ले आए हमें, दरबार नहीं, ये वैसे पुराना कल्चर है, उसी को हमने रेनोवेट किया है। हाँ हाँ, ये वो है। क्या बात है जनाब, छा गए हो। मोहित, ये बंदूक उठा के फायर कर दो, तुमसे ना हो पाएगा। इस तलवार से मोहित का सर नहीं कलम करेंगे। ये बंदूकें देखो जी जनाब, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार, हाथ में आ जा। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं हवेली रेस्टोरेंट और ये हम लिफ्ट में बैठ गए हैं। और बच्चों, एंजॉय किया आप लोगों ने? कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी गाइस, ये है वो व्यू जिसके लिए हम हवेली रेस्टोरेंट आए हैं। और अभी जो है वो यहाँ से हम आपको लाइव व्यू दिखाएंगे। ये बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद, और सांस चढ़ गई है मोहित को भी और मुझे भी। और व्यू बहुत प्यारा है, नो डाउट कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो हमने हासिल कर लिया है। आए आपको दिखाते हैं लाइव व्यू। फिर हमारा लंच कम डिनर हो गया और ये हम कहाँ पे हैं?
हवेली रेस्टोरेंट में। जी गाइस फाइनली हम मौजूद है खाना खाने के बाद। क्या नाम है रेस्टोरेंट का यार? देखो आपने लापरवाही करना। हवेली रेस्टोरेंट पे हम मौजूद है, खाना खा चुके हैं और ये व्यू आप देखें। स्पेशली हम खाना तो खैर कहीं पे भी हम खा सकते थे, लेकिन स्पेशली जो है वो ये व्यू देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि ये अंदरून शहर में है। थोड़ा सा पहुँचना क्योंकि गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी थी तो मुश्किल भी था, लेकिन ये व्यू देखने के लिए स्पेशली हम जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जब भी आप लोग अभी कभी आना हो तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, और स्पेशली रात के टाइम तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, तो मज़ा। खाना खाने के बाद जब हम नीचे उतरे तो रात का मंजर ही अलग था। उसके बाद चाय की तलब हुई तो हम हवेली रेस्टोरेंट के पीछे एक ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे आपको तंदूरी चाय बहुत ज़बरदस्त मिलती है। जी जनाब, खाना खा के हम नीचे उतरे हैं और नीचे जो माहौल है यहाँ पे, स्पेशली मैं बात करूँगा कि जो वाकई पुराना एक ट्रेडिशन हुआ करता था डॉक्टर साहब, वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे तंदूरी चाय चल रही है और मोए ने कहा और वो पान खाएगा और मैं भी साथ पान खाऊंगा। तो ये पीछे हमारे कौन सा गेट है डॉक्टर साहब? ये किले का जो फोर्ट है उसका अकबी दरवाज़ा है। हाँ, ये किला बाला हिसार है, कौन सा, क्या नाम है इसका किला? लाहौर का किला, शाही किला, शाही किला। और इसका यानी कि अकबी दरवाज़ा है, पीछे वाला जो दरवाज़ा जिससे बंदा पीछे से निकल जाता है। रोशनाई गेट मोहन ने कहा है कि जी इसको रोशनाई गेट कहते हैं। सामने लिखा हुआ। अच्छा, जो सामने लिखा हुआ। चले महाराज, जो भी है तो बड़ा मज़ा आ रहा है और चाय इंजॉय हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा फैमिली यहाँ पे आई हुई है। तंदूरी चाय, और जब भी आप लोग आए तो ये तंदूरी चाय भी ज़रूर पिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये बिल्कुल सामने आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिस पे यहाँ पे कुछ लोग जब आते हैं तो कुछ अपने घर वालों के लिए शॉपिंग वगैरह करते हैं। ये गेट है जिसके अभी हम बात कर रहे थे, रोशनाई गेट। और इसके बाद हम जब बाहर निकले तो ये सामने इतना अच्छा माहौल है, बिल्कुल साइलेंस, और रात को अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो बड़ा अच्छा रिलैक्स मूड में आप जाके वहाँ पे चाय वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये है मीनार बादशाही मस्जिद का, और यहाँ पे हम इस टाइम रोड पे खड़े हैं। और ये डायग्राम देखें, फलूदा अगर आप इंजॉय करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और ये सामने बिल्कुल नज़र आ रही है बादशाही मस्जिद, जो मैं आपको करीब से दिखा पा रहा हूँ। तो ये जनाब आप देखें कि ट्रेडिशनल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। ये कुछ मुग़लों का ट्रेडिशन लिबास हुआ करता था, ये उसकी अक्कासी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखने को तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही ये देखें जनाब, इस बंदे ने कितना ज़बरदस्त लिबास पहना हुआ है मुग़लों का, और ये इसकी भी बेटी है। अब देखें जनाब, ये लग रहे हैं निशाने, तो ये देखिए मज़ा लगता है। जी जनाब, फाइनली हम डिनर कर चुके हैं, जो कि लंच था और डिनर में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम जस्ट वापस आए और थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेंगे। डॉक्टर साहब, आज का दिन माशाल्लाह बच्चों के साथ कैसा लगा? काफ़ी इन्जॉय किया माशाल्लाह, और सारी चीज़ें जाकर जैसे हमने सोची थी वैसे होती रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई अनएक्सपेक्टेड जैसे आमतौर पे आपके टूर पे होता है। बाकी जब अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाना जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और यहाँ के वैसे ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है ना मुगलिया दौर में वापस आ गए हैं। जी मोहित, बिल्कुल जनाब, लाहौर की रौनक तो फिर लाहौर की रौनक ही है, और कहते हैं लाहौर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत एग्जैजरेट कर दी, मैं इतना नहीं करूंगा, गर्मी में ना घर से बाहर निकला करें। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छे मौसम में आएंगे तो आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, क्योंकि जो पर व्यू है वो बड़ा बेहतरीन है। और अगर मौसम अच्छा हो, कभी कभार बादल भी गुजर रहे हो, सर्दियों का मौसम, चाय पीने का जो है लुत्फ आ जाएगा। तो गर्मी में ना निकले, मैं तो वैसे सजेस्ट नहीं करूँगा। चलें जी, फाइनली हम बच्चों की तरफ जा रहे हैं। बच्चों, आप सब लोगों ने एक ही आवाज़ में बताना है
कितना मजा आया है? बहुत ज्यादा। अच्छा जी, जनाब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म, और रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें हमारे इस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।